सुबह से शाम तक यूं ही सजदे में पड़े रहते हैं। देखो वो इमाम जिसके लिए ज़ियारत में जुमला है, हलीफ़ी सजदत तवीला, जो तवील पूरी रात सजदा करने का आदि था, बदुमूल गजीरा जिसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते रहते थे, वज़रा आतिल मुत्तसिला जो बार बार अल्लाह की बरगाह में फरियाद करता था। मासूम कहते हैं कि जब मुसब जाफर की जियारत पढ़ लो तो उसके बाद यूं अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि परवरदिगार उस बंदे पर रहमान नाजिल कर जो तेरी बारगाह में गिड़गड़ाता था, जो तेरी बारगाह में फरियाद करता था, और तुम समझोगे जिस साकिल मरजूज पे हलके सुयूद, और ये वो कैदी है, ये वो कैदी है जिसकी पिंडलियां बेड़ियों की रगड़ से इतनी रगड़ खा चुकी थी कि पैरों का गोश्त कट चुका था। मासूम कहते ये उसका जनाजा है जिसके जनाजे पर इंतहाई जिल्लत आमेज अल्फाज में कहा गया कि ये राफिजियों के इमाम का जनाजा है। वल वारिद अला जद्दिल मुस्तफा, ये उस इमाम का ताबूत है जो अपने जद की बारगाह में, अपने बाप अली की बारगाह में, अपनी माँ जहरा की बारगाह में इस हालत में गया पे इरसन मकसूद के उसकी मीरास लुट चुकी थी। वक्त रो चुके हजारों, लेकिन हाथ जोड़ के मेरा एक जुमला कहने का ताबूत बरामद होगा, एक जुमला कहने का दिल चाहता है कि शहजादा वाकई बड़ा मजलूम था। शहजादा वाकई बड़ा मजलूम है। बड़ी बड़ी उम्र 14 बरस कैदखाने में गुजर गए और कैदखाने में भी हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां थी। एक मुझे जुमला कहने देना, जब मूसी काजम का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, तो हजारों हजार अफराद जनाजे में शरीक थे और वहां मूसा वहां काजम की सदा नहीं बोला थी। आखिर जुमले सुने मेरा दिल कहता है कि मेरे इमाम के जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। रोने वाले पर एक जुमला सुनना, जब मूसा काजम ने अपने जनाजे की यह शान देखी होगी तो क्या उन्हें याद नहीं आया होगा कि वो मेरा जद था जिसका नाम था हुसैन। मेरा जनाजा इतनी शान से उठा और जब सवारे तोशे रसूल था, जब खैमों में आग लग गई तो पिसारे साथ ने कहा सवार अपने घोड़ों की नाल बदली करे। एक पता होन का कबीला आगे आया तो हो जैसा भी सही, हमारा अमीर था होन का नाशा उठ गया, मुस्लिम अपने वासदा का नाशा उठ गया, बिखेर कर तमाचे मार रही थी। ना ये तेरे उसे
फाइटर बने रहो।